है कि आदरणीय मोदी जी ने एक जो बात अभी की है, जब मुझे पता लगा कि ये सारा जो बन रहा है, ये तीर्थ जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, वो पूरा का पूरा जो पैसा इकट्ठा हुआ उसके ब्याज से बन रहा है, और सोचो उसके ब्याज से इतना बड़ा बन रहा है और 100 करोड़ लोग आनंद ले रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या होगा। हज के लिए पता नहीं कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, यहाँ तो कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा, लोगों को आनंद मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि केवल एक सरकार होना और दूसरा संस्कारी सरकार होना, जब सरकारें संस्कारी होती हैं तो संस्कार पनपते हैं, संस्कृति पनपती है, रोजगार भी आगे बढ़े। अब ये क्या आप समझते हैं, ये अयोध्या वही तो अयोध्या है जिसको आप इशारा कर रहे हैं, मैं वही पूछना चाह रहा था कि अयोध्या से नाता ऐसा नहीं आपका पहली बार नारा हो, अब अयोध्या जी में प्रवेश, जिस तरीके से पहले आए तो गलियां, अब आइए तो रामधुन सुनाई देती है, ढोल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जन्मभूमि का या उस स्थल का जिसकी कानूनी लड़ाई चली उसका विकास नहीं हुआ, अयोध्या जी का बदलाव आप मतलब एक हम सभी के धार्मिक गुरु के तौर पर और अयोध्या जी से नाता रखने वाले व्यक्ति के तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोगों की भावनाओं का जो विकास हुआ है, लोगों की दृष्टि बदली है, चश्मे बदले हैं, देखने का नजरिया बदला है, भाव बदले हैं, और उसका कारण है कि जहां देखो पहले लोगों को थोड़ा संकोच होता था, यार हम क्यों बोले, ऐसा क्यों करें वैसा, अब लोगों को लगता है क्यों ना करें। मैं अभी अमेरिका से जब एयरपोर्ट पे था, 3 सरदार जी बैठे हुए थे, मैंने कहा सत श्री अकाल, बोले जय श्री राम, मैंने कहा वाह, मैंने कहा हद हो गई, तो कमाल हो गया, मैंने कहा सत श्री अकाल और कहते जय श्री राम, बोले कहां जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो, ये ले। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स के एयरपोर्ट पर कोई अगर मुझे बोले देखते ही अयोध्या जा रहे हो, इससे बढ़िया और क्या परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन है। आखिरी अंतिम सवाल, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं 22 को, तमाम लोग होंगे, आप तो उस पुण्य के भागी हो रहे हैं, लेकिन तमाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए आपके तमाम जो अनुयायी हैं उनके लिए वो 22 का पर्व जो है उस पर्व को कैसे मनाएं? देखिए 22 के पर्व के लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि लाइव होगा सारा दर्शन, ताकि जो उनका जीवन था वो लाइव जीवन था, उस लाइव जीवन को लाइव देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन सबको पता है क्योंकि जगह की मर्यादा है, नंबर की मर्यादा है, सब नहीं आ पाएंगे, लेकिन सब आ सके, 90 करोड़ लोग अपने घर में बैठे बैठे देख सके, यही तो आप लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं अभी अमेरिका में देख रहा था कि टाइम्स स्क्वायर के ऊपर, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के ऊपर कुछ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वहां पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो इतना भव्य और दिव्य होने जा रहा है कि पूरे विश्व के लोगों को लगेगा वाह भाई क्या बात है, वाओ इंडिया वाह इंडिया, ये वाली बात होने जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।